आप मेरा संविधान के नाम पर एक मिनट का वीडियो बनाकर डालेंगे, भारत के प्रधानमंत्री को भिजाएंगे, फेसबुक ट्विटर सब पर भिजाइए, क्योंकि 26 जनवरी को हमने अपने आप तक संविधान लिया था, उसको हमने अपनाया था। ये CAA का कानून संविधान के खिलाफ है मेरे भाई। वीडियो बनाइए एक मिनट का, 26 जनवरी तक इसको डालते रहिए। और मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए। उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो जुल्म और बर्बरियत की है, मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला कुदरत का कानून यही रहा है कि अल्लाह जालिम के जुल्म को बर्दाश्त नहीं करता। ये जुल्म का खात्मा होगा इंशाअल्लाह, ये जुल्म का खात्मा होगा, ये भारत हमारी सरजमीन में अमन और मजबूत होगा। किशनगंज की जनता, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आप इस देश के नागरिक हैं या नहीं है? क्या आप इस देश को सेकुलर बनाकर रखेंगे? क्या आप बिहार से प्रजा परस्ती का खात्मा करेंगे? क्या आप बिहार से प्रजा परस्ती का खात्मा करेंगे? क्या आप CAA कानून के खिलाफ हैं? क्या आप NPR के खिलाफ हैं? क्या आप NRC के खिलाफ हैं? क्या आप मोदी के खिलाफ हैं? क्या आप कोबी के खिलाफ हैं? क्या आप नीतीश कुमार के खिलाफ हैं? क्या आप नीतीश कुमार के खिलाफ हैं? क्या आप भारत को बचाना चाहेंगे? क्या आप भारत को मजबूत करेंगे? क्या आप संविधान को बचाएंगे? क्या आप जिंदा कौम रहेंगे? क्या आप जिंदा कौम रहेंगे? क्या आप हिंदुस्तानी बनकर रहेंगे? जब सब चीज तुमने नारा मार कर कह दिया, तो मेहनत और जुस्तजू करना है, तशद्दुद कहीं पर नहीं होना चाहिए। मेरे भाई अख्तरुल ईमान ने सही कहा कि अमन से लड़ाई लड़ना पड़ेगा, यह आसान जंग नहीं है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, ये नॉर्मल पॉलिटिशियन नहीं है, ये नॉर्मल पॉलिटिशियन नहीं है। हम तो उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार होश के ना खोल लेंगे। नीतीश कुमार साहब, छोड़ो इन लोगों को, आप BJP का साथ छोड़ दो, हम तमाम आपके साथ करने को, आप छोड़ दो BJP का साथ। आप इस उम्र को पहुंच चुके हैं कि आपने बिहार की तारीख में अपना एक मुकाम पैदा किया, आप कितने नाम पैदा करोगे? अब देश के लिए BJP को छोड़ दो नीतीश कुमार, आइए इस देश को बचाने। आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि हमको मिलकर इस लड़ाई में अपने आप का साथ देना है, सबको साथ लेकर चलना है। ये देश को बचाने की लड़ाई है, ये हिंदू और मुसलमान की लड़ाई नहीं है। हम सबको मिलकर इस देश को बचाना है, संविधान को बचाना है।